हेलो फ्रेंड्स, दिसंबर 2017 में CSIR के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया ना, जैसा आप देख रहे हैं यह क्वेश्चन था साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन था, जो हीट के कंडीशन में दिया हुआ था और यह प्रोडक्ट बना हुआ था। इसमें यह बताना था या पेरीसाइक्लिक में कि यह कौन सा डिस रोटेशन है या कौन रोटेशन है, और इसकी जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन है या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। उसके बाद जो है दोस्तों, यह OS O4 दिया गया था, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एक कैटलिस्ट दिया गया था जिसके साथ NMO जो है वो को ऑक्सीडेंट था। तो दोस्तों हम इसको ये देखेंगे कि इसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन जो है यहाँ पे अगर दिया देख रहे हैं, तो यह जो डबल बॉन्ड है, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है सेम टू सेम यहाँ का डबल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ का जो डबल बॉन्ड है इसको जो है रिएक्शन में कंसीडर नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि यह पाई जो है 1 2 3 1 2 3 यानी 3 पाई सिस्टम जो है, 3 पाई जो है वही क्या हुआ है इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म में इंक्लूड हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और 2 2 4 2 6 यानी अगर हम 4 से 1 मल्टीप्लाई करें 2 6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह जो रिएक्शन है इसमें केवल 3 जो है वो डबल बॉन्ड क्या हुआ कंजुगेट से यानी रिएक्शन में आए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ का जो डबल बॉन्ड हुआ यहाँ पे अटैक किया है। ठीक है दोस्तों, इस पाई पे, और यह पाई यहाँ आ गया, यह पाई यहाँ आ गया, और यह पाई जो है ये डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और 1 2 3 4 5 है, 6 6 जो है मेंबर रिंग बन गया, और यह जो है 4 मेंबर रिंग बन गया। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ यह देखते हैं कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, आप जैसा कि यहाँ देख रहे हैं यह क्या है, एक ही इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, इस हाइड्रोजन की स्टीरियो केमिस्ट्री, इस हाइड्रोजन की स्टीरियो केमिस्ट्री सेम होगी, सेम है, यानी कह सकते हैं कि यह जिस जिस फेज में है उसी फेज में यह भी है। तो कह सकते हैं कि अगर हम इसको राइट मान लें तो राइट ही है, ये राइट है, राइट है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ देखते हैं कि इसमें कौन सा रोटेशन हुआ है, यहाँ पर क्या है 1 2 3 है, 3 पाई अगर इसमें हम देखते हैं दोस्तों, तो अगर ट्रिक देखते हैं तो अगर 3 पाई हैं इसका मतलब है कि इसका साई 3 होता है, इसका जो होमो जो होता है वो साई साई 3 होता है दोस्तों। अब साई 3 में जो कि आपको अगर फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएं, तो हम सभी का तो नहीं बनाएंगे, इस हाइड्रोजन का देखते हैं और इस हाइड्रोजन का देखते हैं। अब उन दोनों हाइड्रोजन का अगर हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएं तो साई 3 अगर ऑड नंबर है तो इसका मतलब है ऑड नंबर है तो इसके जो फेज होंगे वो सेम होंगे, यानी कह सकते हैं यह प्लस जो होगा और यह प्लस जो होंगे वो ऊपर ही होंगे। अब देखते हैं यह कौन रोटेशन होगा या डिस रोटेशन होगा। आपको दोस्तों ये पता होगा कि जो है प्लस जो ऑर्बिटल होते हैं और यह प्लस जो ऑर्बिटल होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इंटरमिक्सिंग करते हैं। तो ये जो क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, हाइब्रिड जो ऑर्बिटल का फॉर्मेशन जो होता है वो प्लस प्लस के जो होता है फ्यूज होने से या इंटरमिक्सिंग से होता है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से अगर कोई, इस टाइप से अगर कोई रिएक्शन हो रही है यानी रोटेशन हो रही है तो उसे हम डिस रोटेशन कहते हैं, डिस रोटेशन कहते हैं। और डिस रोटेशन में क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती है, हम इसको इसको इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हीट का कंडीशन है तो सबसे पहले देखना होगा, अगर 3 पाई बॉन्ड है तो साई 3 होगा, और साई 3 में आपको गया अगर साई 1 हो गया, साई 3 हो गया, साई 5 हो गया, अगर ऑड नंबर में है दोस्तों तो इसका मतलब है कि उसके जो
फेज हैं यानी ऑर्बिटल के जो फेज हैं वो ऊपर यानी सेम ही होंगे, प्लस प्लस ऊपर ही होगा, माइनस माइनस नीचे ही होंगे, इसलिए इसमें डिस रोटेशन होता है। अगर हीट दिया हुआ है तो डिस रोटेशन होगा, अगर यही पे एच न्यू दिया होता तो काउंट रोटेशन हो जाता, जिससे इसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती। तो हमें इससे यह पता चला दोस्तों कि यह 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और यह डिस रोटेशन है। क्यों डिस रोटेशन है? क्योंकि डिस रोटेशन में स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती है और यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री हाइड्रोजन के चेंज नहीं हुई है। अब यहाँ पे ये देखते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है, NMO, NMO जो होता है यह को ऑक्सीडेंट होता है, को ऑक्सीडेंट होता है, जो क्या करता है यह ऑस्मियम को, ऑस्मियम क्या होता है +8 से +6 में जाता है इसका ऑक्सीडेशन, और फिर यह क्या करता है NMO जो होता है वह +6 से +8 में इसको ले आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं को ऑक्सीडेंट। तो इसका क्या होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो होता है, इसका मतलब है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो होता है वह सिस डायोल देता है, सिस डायोल देता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है दो OH ग्रुप जो होंगे वो जुड़ेंगे। अब ये डबल बॉन्ड पे यानी पाई कह सकते हैं एल्कीन पे क्या होगा, एक डायोल जुड़ेगा, दो डायोल जुड़ेंगे, तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री इसका देखेंगे कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो सिस डायोल देगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन क्या है ऊपर है, हाइड्रोजन जो है ऊपर है, इसका मतलब क्या है यह रिंग क्या है, आप जो ये रिंग देख रहे हैं यह रिंग जो होगा वो नीचे होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर यह देखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ है ऊपर की ओर लगा हुआ है, ऊपर की ओर लगा हुआ है, इसका मतलब रिंग जो है वो नीचे की ओर है, रिंग नीचे की ओर है, तो अगर रिंग नीचे की ओर है तो इसका मतलब है कि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो डायोल ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो डायोल देगा वह क्या होगा ऊपर से अटैक करेगा, और यह इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी एबव द प्लेन होगी, OH एंड OH। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम यह देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका आंसर में यह हो गया कि यहाँ पे क्या बताया गया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और डिस रोटेशन है, और डिस रोटेशन में स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज नहीं होती है। तो हम दोस्तों इसमें केवल एक ही सेकंड ही आंसर दिया हुआ है सही, और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया हुआ है लेकिन कौन रोटेशन है, इसलिए इसका आंसर यह गलत है, कौन रोटेशन दिया है भी गलत है। तो हम कह सकते हैं इससे हमें पता कर सकते थे पहले ही ऑप्शन से कि इसका आंसर जो है सेकंड ही होगा, दूसरा अगर नहीं आता था तो। फिर भी देखते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड सिन एडिशन देता है तो सिन एडिशन जो है हम कर सकते थे, तो सिन एडिशन जो होता है सिस एडिशन जो होता है सिस डायोल देता है, तो सिस डायोल क्या होगा यह हाइड्रोजन देख रहे हैं कि ऊपर है, इसका मतलब हाइड्रोजन साइड से है ही डायोल जुड़ेगा, तो डायोल जो होगा वह अबव दी प्लेन होगा। अगर दोस्तों सपोज करिए कि या डिस रोटेशन था या कौन रोटेशन था इसको नहीं पता था तो भी हम इसको समझ सकते थे कि ट्रिक से कि इसको क्या हो सकता था। जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायोल है यहाँ पे भी डायलॉग, ये दोनों आंसर क्या हो गए गलत हो गए। अब इसमें ये दे सकते थे कि ये पाई बॉन्ड क्या है ये रिएक्शन में इंक्लूड नहीं किया है, इसका मतलब क्या है कि ये केवल यही 3 पाई बॉन्ड जो है वो इंक्लूड किया गया है, इसका मतलब है कि यह 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे जो कि सेकेंड ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए भी हम कह सकते थे कि इसका आंसर सेकेंड होगा। थैंक यू दोस्तों।